हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। अब तक हमने देखा था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर चनहुदड़ो, रोपड़, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो बाकी संस्कृतियां, जो बाकी क्षेत्र बसते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोथल, रंगपुर और धोलावीरा की। इन तीन सभ्यताओं या तीन क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, इन तीन सभ्यताओं के बारे में, तीन क्षेत्रों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोथल की। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल की जो खोज थी वो 1955 में हुई थी। खोज की अगर हम बात करें तो 1955 में हुई थी, और इसकी खोज करने वाले कौन थे तो रंगनाथ राव। खोज करने वाले व्यक्ति रंगनाथ राव जो थे इसकी खोज करने वाले थे। 1955 में इसकी खोज हुई थी लोथल क्षेत्र में। इसके अलावा बात करते हैं लोथल क्षेत्र है कहाँ, इसकी स्थिति की बात करें, यानी लोकेशन की स्थिति, तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, किस क्षेत्र पर है, तो यह है भारत में, भारत के गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में, अहमदाबाद में स्थित। यह कहाँ पर है लोथल, तो यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल, और यह किस नदी के किनारे है तो यह है भोगवा नदी। भोगवा नदी, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल क्षेत्र। तो लोथल जो है 1955 में इसको खोजा गया था, और इसको खोजने वाले थे रंगनाथ राव जी। इसके अलावा बात करें तो इसकी स्थिति की, तो यह इसकी जो स्थिति है भारत के गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में है, और किस नदी के किनारे है तो भोगवा नदी के किनारे यह है स्थित है यह। और बात करें तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे कि किस किस चीज़ के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य या फिर कह सकते हैं हम प्रमाण, तो यहाँ पर जो साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं वो क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बंदरगाह मिली है, बंदरगाह, यहाँ पर हमें एक बंदरगाह मिलती है, बंदरगाह। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर हमें जो मिलती है वो है कि पत्थर से निर्मित वृगाकार चक्की के दो पार्ट, पत्थर से निर्मित वृगाकार चक्की के दो पार्ट हमें यहाँ से मिलते हैं। जो चक्की होती है सभी घर में देखी होगी, आटा चक्की होती है, उसके जो पार्ट भी देखे होंगे, जो दो पार्ट होते हैं वो जो है साक्ष्य या प्रमाण हमें लोथल से मिले हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या मिला है कि हाथी के दांतों का पैमाना भी हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा हमें क्या मिला है, फारस की मुद्रा भी हमें यहाँ से मिली है। इसके अलावा क्या मिला है, ममी तो आपने देखी होगी, तो जो ममी है पुराने ज़माने में ममीज जिसको बोलते थे वो ममी, पारस की मुद्रा, ममी, हाथी के दांतों का पैमाना, बंदरगाह, पत्थर से निर्मित वृगाकार चक्की के दो पार्ट, ये जो चीज़ें हैं ये साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं लोथल से, ठीक है। इसकी जो स्थिति है गुजरात में है, अहमदाबाद में है ये स्थित है। 1955 में इसकी खोज हुई थी, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए।
एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो अपनी तैयारी करते रहिए और कोई भी सिलेबस में छूट ना जाए, इसीलिए पूरी भरपूर तैयारी रखें। कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछने वाले क्या पता इसका इसकी खोज पूछ ले, पूछने वाले क्या पता नदी पूछ ले। ठीक है, भाई रंगनाथ राव जो थे इसके जो खोजकर्ता थे, इन्होंने खोज की थी और 1955 में की थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करते हैं इसके अलावा इसमें जो बात करते हैं वो ये है कि लोथल का जो शाब्दिक अर्थ है, लोथल इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। एक बात याद रखना, मोहनजोदड़ो को भी का भी शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और इसका भी शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो मतलब इसको भी क्या कहेंगे हम, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, लेकिन क्या कहेंगे, लघु, इसे हम लघु हड़प्पा या फिर मोहन जोदड़ो, लघु हड़प्पा या फिर मोहन जोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, इसको या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि लघु हड़प्पा किसे कहते हैं, तो लोथल को हम लघु हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी लोथल को कहा जाता है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगपुर की। लोथल हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे रंगपुर। रंगपुर की हम बात करेंगे तो जो रंगपुर है ये खोजा गया था 1931 में। 31 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी, खोज 1931 में हुई थी और इसकी खोज करने वाले कौन थे, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स जो थे इसकी खोज करने वाले थे। खोजकर्ता कौन थे, माधव स्वरूप वत्स ने इनकी खोज की थी। कब की थी, 1931 में। और इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों इसकी जो स्थिति थी वो गुजरात की थी, ये भी गुजरात में था, गुजरात में ये जो भारत, भारत की गुजरात और गुजरात के अहमदाबाद, और अहमदाबाद के कौन से क्षेत्र में, रंगपुरा क्षेत्र अहमदाबाद में। ठीक है, और किस नदी के किनारे, तो ये मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे स्थित था जो रंगपुर था। फिर से देख लीजिए, जो रंगपुर था 1931 में खोजा गया था, माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा था, भारत के गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में स्थित है, मादर नदी के किनारे इसकी लोकेशन है, या मादर नदी के किनारे यह स्थित है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य साक्ष्य या फिर प्रमाण जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर जो मिले हैं तो क्या मिले हैं कि तीन संस्कृतियों के अवशेष, तीन संस्कृतियों के अवशेष, यहाँ पर जो है तीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, नंबर एक। दूसरा यहाँ पर क्या मिला है, कच्ची ईंट दुर्ग। तीसरा यहाँ पर मिला है धान की भूसी, भूसा जो मिलता है ना, भूसा धान का, वो मिला है। और यहाँ पर क्या मिला है, नालियाँ, नालियाँ भी यहाँ पर पाई गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, रंगपुर में पाई गई।
किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ, इसमें जो साक्ष्य मिले थे तीन सांस्कृतिक संस्कृतियों के अवशेष, मतलब यहाँ पर तीन संस्कृतियाँ पाई गई थी, तीन तरह की संस्कृतियाँ यहाँ पर जो थी वो पाई गई थी। नालियाँ पाई गई थी, कच्ची ईंटें पाई गई थी। ये जो सब अवशेष या फिर प्रमाण या फिर साक्ष्य यहाँ पर जो थे वो मिले थे। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे, धान की फसल भी उगाते थे, धान की भूसी मिली है। तो ठीक है, ये था रंगपुर के बारे में। इसके अलावा जो हमारा लास्ट जो बस्ता है वो धोलावीरा बस्ता है। आठ नौ संस्कृतियाँ हैं, ये आठ नौ क्षेत्र हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो संस्कृतियाँ अवशेष जो थे आठ नौ थे। तो जो हमारा जो लास्ट जो बस्ता है धोलावीरा, इसमें जो धोलावीरा बस्ता है, आज की वीडियो का लास्ट है, कंप्लीट नहीं हुआ है धोलावीरा। तो ये जो धोलावीरा है इसका जो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका जो शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। इसको क्या कहते हैं? सफ़ेद कुआं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है। इसके अलावा बात करते हैं धोलावीरा जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल किसको माना गया हड़प्पा सभ्यता में? धोलावीरा को। धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन पाकिस्तान का या फिर पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है या क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। इसमें डाउट नहीं रखना, कभी सोचो कि मोहनजोदड़ो आएगा या धोलावीरा, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो सफ़ेद कुआं है। इसकी जो खोज की गई थी, खोज 1968 में की गई थी, और 67-68 में खोज करने वाले थे, जो खोज की गई थी 1967-68 में, ठीक है, और 1990-91 में इसको जो है इसके यहाँ पर खुदाई की गई थी। खोज की गई थी जगपत जोशी द्वारा, जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी और खुदाई की थी रविंद्र सिंह विष्ट ने इसकी खोज की थी 1990-91 में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो धोलावीरा है, धोलावीरा क्षेत्र यह कहाँ पर है? तो यह भारत के गुजरात में, यह है गुजरात के कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गुजरात के कच्छ में इसकी जो स्थिति है, लेकिन यह किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। 1967-68 में इसको खोजा गया था जगपत जोशी द्वारा, और 1990-91 में इसकी जो खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था आरएस विष्ट द्वारा, इसकी उत्खनन किया गया था। भारत का सबसे बड़ा स्थल है, शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है? साक्ष्य या फिर प्रमाण जो है यहाँ पर मिले हैं, तो वो साक्ष्य प्रमाण कौन से हैं? तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिला है वो स्टेडियम पाया गया है, मतलब यहाँ के लोग खेलते भी थे, स्टेडियम मिला है। यहाँ पर मिला है सोने की अंगूठी मिली है, सोने की अंगूठी। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित, जो यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, कच्ची ईंटों से यहाँ के मकान बने हुए थे। और जल संरक्षण की यहाँ पर जो व्यवस्था थी, जल का संरक्षण किया जाता था,
जल संरक्षण की यहाँ पर अच्छी सुव्यवस्था थी कह सकते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें थी धोलावीरा क्षेत्र में थी। इस वीडियो में हमने पढ़ा लोथल के बारे में, रंगपुर के बारे में, धोलावीरा के बारे में। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।